स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस 2024, बच्चों आपके आंसर की ऑफ सेशन 1 आउट हो चुके हैं, आप जानते हैं। फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि एनटीए ने आज आपकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है। आंसर की हैज बीन रिलीज फॉर सेशन 1, एग्जाम्स हेल्ड फॉर पेपर 1, पेपर 2A एंड पेपर 2B अलोंग विद द आंसर पेपर्स एंड देयर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस। अब इसको आप डाउनलोड कैसे करोगे? एनटीए के वेबसाइट यानी कि jeemains.nta.ac.in पे जाओगे। There you will be getting the link to answer key. आप वहां पे लिंक पे क्लिक करोगे, फिर आपको अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर, DOB, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। यू विल बी गेटिंग द आंसर की, आप वहां से आंसर की चेक करोगे। ये तो हो गया अगला स्टेप, चेक कर लिया। अब मान लो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, आप सबमिट करना चाहते हो, तो बता दूं आपको, कैंडिडेट हु विश टू सबमिट चैलेंजेस टू प्रोविजनल आंसर की May visit the official website by February 8. कल 12 बजे रात तक आप यहाँ पर कह सकते हो कि हाँ मेरा ये आंसर गलत नहीं है, आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। कैसे, प्रोसीजर क्या है? यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹200 पर क्वेश्चन चैलेंज। आप अगर क्वेश्चन चैलेंज करोगे तो हर क्वेश्चन के लिए ₹200 आपको देने पड़ेंगे। द एजेंसी मेंशन्ड दैट नो चैलेंज will entertain without receipt of processing fee, दिए बगैर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट फॉर द प्रोसेसिंग फी कैन बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यानी कि ऑनलाइन मोड में ही आप कर सकते हो। 11:50 यानी कि लगभग 12 बजे रात तक आप कर सकते हो, बिल्कुल एंड में मत करना। फी टूवर्ड्स द चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, जो ऑनलाइन मोड है ये तीन जो दिए हुए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसी से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों के जो भी क्वेरीज हैं वो गए, बच्चों के चैलेंजेस लेने के बाद एनटीए फिर आपस में एक टीम के साथ डिबेट करेगी। आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड। उसके बाद अगर आपका चैलेंज सही है, इफ द चैलेंज मेड बाय कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की, ठीक है। स्टूडेंट्स विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और चैलेंज, आपको पर्सनली बताया नहीं जाएगा कि आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है, यानी वैसे भी वो नॉन रिफंडेबल फी है तो फी तो आपकी चली जाएगी। द की इज फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ चैलेंज विल बी फाइनल, वो खुद ही फाइनल करके फाइनल आंसर की रिलीज करेंगे एनटीए के साइट पे, वहां से आप फिर से चेक कर पाओगे। एनटीए ने अपना सेशन 1 तो कंप्लीट कर लिया था 24, 27, 29, 30, 31 को एंड फरवरी 8 को। सेंटर्स जो थे इंडिया में 291 सिटीज थे, अगर इंडिया ने क्रॉस देखे तो। एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन 21 सिटीज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी 21 सिटीज में एग्जाम्स हुए हैं। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल, सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग सेशन 2।